हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चटपट चटोर किचन। आज हम चटपट चटोर किचन में बनाने वाले हैं पेपरोनी पिज्जा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। पेपरोनी पिज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेल्टेड बटर, गार्लिक और कोरिएंडर। कोरिएंडर लीफ और मैंने गार्लिक को पतला काट के मेल्टेड बटर में इस तरह से डाल लिया है। फिर मैंने लिया है पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस के बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से अनियन को पतला पतला काट लिया है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया पेपरोनी, जिसको मैंने एक कटर से इस तरह से गोल गोल काट लिया है। इस पेपरोनी की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अब पिज्जा बेस के ऊपर हम ये मेल्टेड बटर, जिसमें मैंने गार्लिक और कोरिएंडर लीफ को पतला पतला काट लिया था, ये उसके ऊपर लगा लेंगे, जिससे कि ये पकने के बाद बटर और गार्लिक का फ्लेवर देगा। अब इसके बाद हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगा लेंगे। पिज्जा सॉस को हमें पिज्जा बेस के ऊपर अच्छे से फैला लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने पिज्जा सॉस को पिज्जा बेस के ऊपर फैला लिया है। अब हम मेयोनीज को पाइपिंग बैग में डाल के इस तरह से फैला लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से मेयोनीज को पिज्जा बेस के ऊपर फैला लिया है। अब इसके ऊपर हम डाइस चीज इस तरह से फैला लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से डाइस चीज को पिज्जा बेस के ऊपर फैला लिया है। मैंने यहाँ पे डाइस चीज यूज की है, आप कोई भी ब्रांड का चीज यूज कर सकते हैं। पिज्जा बेस के ऊपर चीज डालने के बाद इस तरह से कटी हुई अनियन को इस पर डाल लेंगे। अनियन डालने के बाद इसके ऊपर हम ये पेपरोनी को इस तरह से रख लेंगे। इस पेपरोनी को हमें थोड़ा सा दबाते हुए इस तरह से रख लेना है, ताकि ये सेट हो जाए और पिज्जा मेल्ट होने पर ये अपनी जगह से ना हिले। इस तरह से हमें प्रेस करते हुए सारे पेपरोनीज को पिज्जा बेस के ऊपर लगा लेना है। देखिए, हमने यहाँ पे एक सर्कल में पूरे पेपरोनीज को लगा लिया है। अब इसके बीच में भी हम पेपरोनीज को रख लेंगे। अब बची हुई खाली जगह पे हम ये ब्लैक ऑलिव्स लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें ग्रीन ऑलिव्स भी लगा सकते हैं। मैंने सारी खाली जगह पे ब्लैक ऑलिव्स लगा लिया है। अब इस पेपरोनी के ऊपर हम मेल्टेड बटर, गार्लिक और कोरिएंडर लीफ वाला ब्रश कर लेंगे। देखिए, ये बेक करने के लिए एकदम तैयार है। चलिए इसको हम अब बेक कर लेते हैं। आज हम इसको कढ़ाई में बेक करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और इसमें हमने अपने पिज्जा को इस तरह से रख लिया है। इस समय हम गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। पिज्जा को ढक के चीज मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे हमारा चीज मेल्ट हो चुका है और ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।